तो आइए पैरों के जोड़ों के अभ्यासों के साथ हम शरीर को स्वस्थ बनाने का संकल्प। पैर सीधा खोल लेंगे, दोनों हथेली को कमर के पास और पीठ सीधा रखेंगे, एकदम पीछे की तरफ में मोड़ना नहीं है पीठ को। ये जिस आसन में बैठे इस आसन का नाम है दंड आसन। क्या नाम है इसका? बोलिए दंड आसन। दंड आसन। अब सांस भरिए और सुनिएगा, जैसे जैसे हम बोलेंगे उसी प्रकार करिएगा तो फायदा होगा, गलत करिएगा तो हानि मिलेगा। ऐसा नहीं है कि गलत करेंगे तो आपको फायदा होगा। सीधे बैठिए, सांस को भरते हुए पैर को सीधा रखना, सांसों को छोड़ते हुए पैर की उंगलियों को मोड़ना, इस प्रकार से। मुंह बंद, अपना करो, दूसरे को नहीं देखना, अपने को देखिए। फिर सांस को छोड़ते हुए पैर को आगे, सांस को भरते हुए पैर को अपनी तरफ लाना है, पंजे को, तलवे को। सांस खूब भरिए, सांसों पर ध्यान लगा दीजिए। फिर पैर को गोल गोल घुमाइए, फिर उल्टा घुमाइए, सांस खूब भरिए। फिर पैरों को फिर घुटने को ऊपर नीचे ऐसे ऐसे थोड़ा के ऊपर नीचे करिए, यहाँ जैसे मुँह बंद है लड़का, मुँह में बरियारी खुला था ऐसे बंद ना कला, ऐसे मुँह बंद करके नाक से सांस लो छोड़ो। धीरे धीरे आदत बदलेगा ना, आदत जल्दी थोड़े बदलता है, बड़ी प्रैक्टिस करना पड़ता है, अभ्यास करने से आदत बदलेगा। एक जगह हम शिविर लगा रहे थे असंयोग से, उस दिन गंगा स्नान था, ऐसे से घुमाइएगा तो शिविर में कम आदमी आया और गंगा स्नान के लिए झोरा छकर के ले जाने वाला ढेर बैठा आया रास्ता में। हमने पूछा कि भाई आप लोग कहाँ जा रहे हैं, आज हमने के गंगा स्नान कर जाते हैं, गंगा स्नान है। घुमाते रहिए पैरों को, सांस भरते रहिए। ये योगाभ्यास भी चल रहा है और साथ साथ में सत्संग और प्रवचन भी चल रहा है। हमने कहा कि भैया कई साल से गंगा स्नान हुआ करे जाइला, तो वो रहन 60 बरिस के कहा था बाबा हमारा तो याद है कि 30-35 बरिस हो गए गईला हमारा जात जात, तो हम कहने के बाबा खैनी खात रहे छोड़ छूटल की खाते माने आ तो ना वो तो चलते बा, सब मीट मछली खात रहे छूटल की ना आ तो वो सब तो चलते बा, कोनो परिवर्तन नहीं के होत। तो हम कहनी कि नहिला से का फायदा बा बताएं, कि तो हाल उहे हो गई कि बोतल में कुछ भर दी कचड़ा आ ठेपी बंद कर दे आ बोतलवा के ले जाके पानी में डुबाई या निकाली तो ओकर कचड़ा निकली कहियो बोली तो हमनी के उहे हाल बा, ठेपी बंद कर दिल बनी जा गंगा जी में डुबकी मारा तने जा आ निकल के आ जा तने जा, जौन कचरा लेके गई नहीं जा उहे कचरा लेके पहनी नहीं जा और सही जिंदगी भर कचरा के भीड़े धैले बनी जा। तो कतनो गंगा स्नान करब तो फायदा करी बेटा, कतनो नवरात्र करब तो फायदा करी, कतनो जग में जाके घूमब तो फायदा करी, फायदा तब करी जब अपन आचरण के बदलब। हाँ घुमाइए फिर ऐसे कर मुंह बंद करके सांस भरना है, दूसरे पैर से आदमी के संख्या बढ़ल चल जाता, रहे के घर नहीं के हम नहीं के, कपड़ा बढ़िया नहीं के, पढ़ाई के पैसा नहीं के, ऐसे पूरा ताकत लगावे के बाद पढ़े लिखे में बढ़िया बढ़िया काम करे में आचरण बदले में, आ जे पढ़ी लिखी उहे बड़ा आदमी बनेगा। हम लोग
पैर पसार पैर पैर पसारा चले आइए। अब बटरफ्लाई करते हैं इस प्रकार, देखो जिस तरह से हम लोग करते हैं, जैसा हम लोग कर रहे हैं वैसा करिए। हाँ, धीरे धीरे चेहरे पर मुस्कान लिए हुए, ये बटरफ्लाई है। ये कमर दर्द से लेकर के घुटना दर्द से लेकर के तरह तरह के समस्याओं से मुक्ति तो देता ही देता है। इसमें देखिए क्या कर रहे हैं, दोनों एक बार बताइए, दोनों एड़ी को खींच के जांघ में सटाना है, अंदर ले जाइए। केहुनी को पंजरी में सटाइए और सीना को बाहर निकाल करके घुटने को ऊपर नीचे करिए। सांस को भरिए, शरीर को नहीं, इसको इसको ऊपर नीचे करो। गर्भवती माताओं बहनों को सातवें महीना से यदि ये बटरफ्लाई करवाया जाए तो 100% नॉर्मल डिलीवरी होता है। धीरे धीरे करवाएंगे तो ऑपरेशन करने की नौबत नहीं आएगी। इसलिए हम सब के साथ साथ सब एक जैसा करेगा, घुटना ऊपर नीचे करिए, घुटना करो बेटा। ब्रह्म बाबा के धोके काहे इलावा था, तो बरवा कहा पर हम बाबा के केहुना के ऊपर नीचे करे के भाई जो ना के पैसा का नाम बेटा तुम्हारा बोलो अभिषेक नाम बताओ अभिषेक बाबू बैठ के बुझाते कि परम बाबा के कबर है केहुना के ऊपर नीचे करो घुटना आइए मोड़िए इसको। अब तो हम लोग अभी हम लोगों ने कुछ सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास हम लोगों ने करवाया, अभी हम लोगों ने कुछ प्राणायाम का भी अभ्यास करवाया जिसमें भस्त्रिका से लेकर के कपालभाति से लेकर के अनुलोम विलोम से लेकर के भ्रामरी और सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करवाए। धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे इसका जब प्रैक्टिस करिएगा जब अभ्यास करिएगा तो समझ में आएगा कि शरीर किस लिए मिला है, शरीर रूपी मंदिर की कैसे रखवाली करनी है, शरीर रूपी मंदिर का देखभाल कैसे करना है और इस मंदिर में रहने वाले हमारा जो जीव है वह जो देवता है उस देवता को कैसे हम ख्याल करेंगे, तब जा करके हम अपने जीवन को दूसरों की सेवा में या अपने लिए सेवा में इसे समर्पित कर सकते हैं। तो आइए अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं।